बिल्कुल जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरा पंजाब वेख रहा, ना केवल पंजाब पूरा देश वेख रहा। जिथों तक अमृतपाल का सवाल है, तकरीबन अक्तूबर के महीने के चिट्ठी लिखी सी कि इस व्यक्ति दियां गतिविधियां ते नज़र रखने की जरूरत है, और फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उस तो बाद अजनाला कांड होया। पहला भी जलंधर दे विच छुटपुट छुटपुट जो गुरद्वारा साहब दे विच बेंच वगैरह नूं तोड़िया गया सी, सो ये घटनाक्रम वापरिया। सो काफ़ी देर बाद सरकार नूं भिणक पई कि काम खराब हो सकता है, जबकि तमाम जिहड़ियां एजेंसीज इन्हां दे कोले है। मैं वार वार ये कहना है कि एजेंसीज दा ये तमाम इन्हां साथियों के मगर बहुत वड्डा हाथ है, देश के बाहरलियां एजेंसियां भी और देश के अंदरलियां एजेंसीज भी। चलो जो बहुत कुछ सारा घटनाक्रम वापरिया, अजनाला कांड हो गया, इस तो बाद भी सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साधी सी, किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। चलो पहले दिन तो यह क्या कि हरिमंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब स्वरूप नाल सी, इस करके असी कार्रवाई नहीं की, पर उस तो अगला दिन कई दिन बीत जाने के बाद जो पंजाब के लोगों के विच माहौल पैदा हो गया कि अमृतपाल की वो जड़ा घटना सी वो बेहद माड़ी सी, और काफ़ी सवाल जड़े है सरकार ते उठन लगे, दोनों सरकार ते उतली ते भी थलड़ी ते भी। तो फिर इन्होंने कॉग्निजेंस लेंदे हुए अमृतपाल ते साजिश ते आह घटनाक्रम जो भी उन्होंने फड़न फड़ाउण दी साजिश रची। मैं ये वेखदा है कि 50 बटालियन तुसी ले आए, 80-90 हज़ार बंदे की थोड़े को फोर्स है, फिर अमृतपाल थोनू चकमा दे के निकल गया, चकमा दे के निकल गया कि कढ़िया गया है। कई लोगों का यह भी सवाल है कि जिस तरह उहदे ये कहा जाता कि एजेंसी का व्यक्ति है कढ़िया गया है कि निकलिया है। अच्छा, जिन्हों असल बंदे नूं तुसी फड़ना सी उन्हें साजिश रची होनी है, मोटरसाइकिल ते गया, उन्हें कपड़े बदले, मोटरसाइकिल चालक आया, इहदा मतलब ये सब कुछ अमृतपाल नूं पता सी। जिवें मैं अक्सर ही कहना कि कतल इत्थे हुंदा ते दिल्ली वाले फड़ लेंदे। सो जिन्हों फड़ना सी वह तो तुसी कढ़ता, वो कह रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहे हैं, पंजाब के किसी व्यक्ति नूं पुछ लो कि ये व्यक्ति के पिछे सरकारां साजिश कर रही ने। जो सारे फड़ ले 80 हज़ार बंदे की, कल इन्हों हाईकोर्ट ने भी कोसिया, इन्नी फोर्स के बाद फिर अमृतपाल निकल किवें गया, किवें फिर इहदा मतलब सारा प्लैन अमृतपाल नूं पता सी भी थोड़े मगर लगांगे, फिर उत्थे तू जाएगा मोटरसाइकिल ते जाएगा, तेरे कोल इमीजिएटली मोटरसाइकिल चालक भी आ गया, कित्थे गया थोड़ा नैटवर्क, कित्थे गया थोड़ा वायरलैस सिस्टम, और थोड़ा TPM हर मोड़ ते थोड़ा पुलिस वाला, हर शहर च थोड़ा पुलिस वाला, फिर वो निकल किवें गया। ब्रिंग साहब पहली बार होया कि इदां पुलिस अपनी नाकामी दस रही है कि साडे तों इत्थों निकल गया। नो, पुलिस तां नाकामी, हुण तुसीं नाकामी दी की करोगे, लॉरेंस बिश्नोई जेल चों बैठा भाई साहब वीडियो कर रहे हैं, पुलिस तो नाकाम हो ही चुकी, पंजाब पुलिस जिहड़ी पुरानी गलबात सी वो नहीं रही, पता नहीं की हो गया इस साल की पंजाब पुलिस नूं, सरकार ते विश्वास उठ गया। इस तरह के हालात जिहड़े बने हुए है ये पंजाब वास्ते चंगे हालात नहीं है। तुसी इंटरनेट बंद करता 5 दिन, मेरे कहने का मतलब जां तां फिर फड़ लेंदे, फड़िया क्यों नहीं, फड़े तो बावजूद भी तुसी ये सारियां कढ़ा, और जिहड़ा मुख दोषी है वो तो थोड़े तो फड़िया नहीं गया, एवें बेचारे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। जनतक लोगों के सामने आनी चाहिए जिहड़ी भी रिपोर्ट है, ता जो लोगों नूं पता लग जाए सच दा सच सच की है। लफाफे च बंद रिपोर्ट का मतलब है तुसी उस व्यक्ति नूं जिहदे खिलाफ रिपोर्ट दित्ती उहनूं बचाउणा चाहुंदे हो, वो लफाफा फिर खुलदा ही नहीं, कई लफाफे पंजाब च भी हजे बंद पए। देखो जी, आम लोगों की सरकार है तो कहते आम व्यक्तियों के वालों आपका जीवन बतीत करांगे, आम साधारण लोगों की ये साढ़े वाले लोगों से सवालिया चिन्ह करते होंगे सी, जो साडा मुख्यमंत्री कोई एडवाइजर बनाउंदा सी जां कैबिनेट रैंक दिंदा सी, ये कहते सी ये वाधू बोझ है,
इस नाल सरकार ते वाधू बोझ पएगा, खजाने ते वाधू बोझ पएगा। हुण 3 लाख करोड़ तो उत्तों दा करजा चढ़ाता, फिर तुसी भी उसे कम्मां ते तुसी भी उही कम कर रहे हैं जिन्हां नूं तुसी कोसदे हुंदे सी। कहण दा मतलब हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। इन्हां दे हालात ये।